गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस टू हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर पेप्टिक अल्सर इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम जो स्टमक में अल्सर्स होते हैं ये बड़े कॉमनली डेवलप हो जाते हैं अगर आपको लगातार एसिडिटी रहती है तो अल्सर बनने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है अगर आपको तंबाकू की आदत है आप क्रॉनिक अल्कोहलिक हैं आपको स्ट्रेस ज्यादा रहती है या आपकी डाइटरी पैटर्न बहुत रेगुलर है तो आपको एसिड गेस्ट्राइटिस और अल्सर बनने की संभावना होती है ना आज मैं बात करूंगा कि वो क्या खाने की चीजें ऐसी हैं या खाने की आई मीन पीने की चीजें ऐसी हैं जो आपको अल्सर हीलिंग में हेल्प करते हैं ये बात बिल्कुल सही है कि जहां तक अल्सर का सवाल है इनको अगर ठीक करना है तो आपको लाइफ चेंज करने की जरूरत पड़ेगी आपको अपने डाइटरी हैबिट्स को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी इसके अलावा मेडिसिन का रिक्वायरमेंट हो गई पहले ऐसा माना जाता था कि अगर आप ब्लेंड डाइट लेते हैं तो ये आपको मदद करेगी बट करेंट रिसर्च ऐसा मानती है कि ब्लेंड डाइट शायद एक कंड्यूसिव आइडिया नहीं है और इसकी आवश्यकता नहीं है नंबर पर आते हैं डायटरी फाइबर आपको अपनी जो डाइट है उसमें फाइबर बढ़ाने की जरूरत है पर्टिकुलरली सॉल्युबल फाइबर बढ़ाने की जरूरत है यह आपके अल्सर को जो हील है उसमें करने में मदद करेंगे सॉल्युबल फाइबर आपको कहां से मिलेगा अगर आप ओट्स खाते हैं आपको सॉल्युबल फाइबर मिलेगा आप जो लेग्यूम्स खाते हैं या आप दालें खाते हैं इनमें आपको डायट्री फाइबर सॉल्युबल वेराइटी का मिलेगा अगर आप बीन्स इस्तेमाल करते हैं इनमें भी प्लिनी ऑफ सॉल्युबल फाइबर है तो अगर अल्सर जैसी चीज है तो आप ओट्स खाइए आप दालें खाइए बीन्स खाइए लेग्यूम्स इस्तेमाल करिए आपको सोलबिल फाइबर मिलेगा नंबर दो जो फ्लेक्स सीड्स हैं जो अलसी है ये आपको हेल्प करती है इसमें सोलबिल फाइबर ठीक अमाउंट में होता है जो आप नट्स इस्तेमाल करते हैं इनमें सोलबल फाइबर होता है जो एप्पल है उसमें पेक्टिन है लेकिन सॉल्यूबल फाइबर भी है जो कैरट हैं या जो गाजर है उसमें भी सॉलबिल फाइबर ठीक मात्रा में है साइंस ऐसा मानती है कि अगर आप सोलबिल फाइबर के जो फूड्स हैं उनको ठीक मात्रा में लेते हैं हैं, तो अल्सर ठीक होते हैं या अल्सर डेवलप होने से बचते हैं नंबर दो पर आते हैं ए रिच फूड्स। जितनी भी चीजों में वाइटमिन ए ज्यादा है वो अल्सर हीलिंग में आपको हेल्प करेंगे। चाहे वो ब्रोकली हो चाहे वो स्वीट पोटैटो हो चाहे वो पालक हो चाहे वो गाजर हो इनमें सब में वाइटमिन ए है तो आप गाजर खाइए आप पालक खाइए आप शकरकंदी खाइए इनसे आपको वाइटमिन ए मिलेगा एंड साइंस वाइटमिन खाते हैं तो जो खाने की थैली की लाइनिंग है उसमें जो म्यूकस है उसका प्रोडक्शन बढ़ता है और एक बार म्यूकस का प्रोडक्शन ऊपर की तरफ जाएगा तो अल्सर को हील होने में आपको हेल्प मिलेगी इसलिए व्हाइटमिन ए रिच फूड जरूर इंक्लूड करिए नंबर तीन पर आते हैं फ्लेवोनाइड रिच फूड्स जो फ्लेवोनाइड हैं वास्तव में एंटीऑक्सीडेंट या एंटी इंफ्लेमेटरी कैटेगरी में आते हैं रिसर्च ऐसा मानती है कि ये जो फूड्स हैं ये आपको क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर दोनों से बचा के रख सकते हैं ये जो आई मीन चीजें हैं ये जो एच पाइलोरी का जो इंस्पेक्शन है जो अल्सर का सबसे बड़ा कारण है या स्टमक के कैंसर का सबसे बड़ा कारण है उससे आपको प्रोटेक्ट करने की ताकत रखते हैं तो जो एच पाइलोर की जो ग्रोथ है उसको इनिमिट करेंगे इनिमिट करेंगे तो ड्योडनल या गैस्ट्रिक अल्सर की संभावना कम होगी नो अगर फ्लेवोनाइड रिच फूड्स को हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रॉबेरीज है ये ब्लूबेरीज हैं, ये क्रेनबेरीज हैं, इवन जो गार्लिक है उसमें भी फ्लेवरनाइट ठीक अमाउंट में होते हैं और ये जो सब चीजें हैं ये एच पाइलोर के अगेंस्ट में काम करती हैं, तो आपको अल्सर जैसी जो डिजीज है इससे बचा के रखेंगी नंबर चार पर आते हैं केले जो बनाना है यह बात बिल्कुल सही है कि फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है ऐसा माना जाता है कि जो केले हैं उनमें कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो आपकी स्टमक की लाइनिंग है उसको एसिड से बचा के रखते हैं तो अल्सर जैसी जो चीज है उससे आपको हीलिंग में मदद करेंगे और अल्सर को बनने से रोकेंगे तो इसलिए केले जरूर इस्तेमाल करिए द नेक्स्ट वन इज द ब्रेड

एग्स हैं, उन्हें जरूर इस्तेमाल करिए कुछ ड्रिंक्स ऐसे हैं, जिन्हें आप अगर इस्तेमाल करें तो अल्सर जैसी जो चीज है उसको हील होने में आपको मदद मिलेगी लुक एट द क्रैनबेरी जूस जो क्रैनबेरी जूस है साइंस ऐसा मानते हैं रिसर्च ऐसा कहती है कि ये जो टाट जूस है ये वास्तव में गैस्ट्राइटिस में हेल्प करता है जो इन्फेक्शन एच पाइलो पायलोरी के हैं उनको करने में ट्रीट करने में आपको हेल्प करता है तो इसलिए क्रेनबेरी जूस इस्तेमाल करना चाहिए the second is the green tea. अगर हम रिसर्च जो अभी सामने ताकत रखता है लुक द दैफेर कैफे बेसिकली एक प्रोबायोटिक फूड है या प्रोब

चाहिए क्योंकि ये अल्सर जैसी जो चीज है इसको एग्रेवेट करने की ताकत रखते हैं अगर आप ज्यादा मात्रा में अल्कोहल लेते हैं ये जिसमें ऑयल की अमाउंट ज्यादा है स्पाइस है या चिकन, या मीट आप यूज करते हैं, तो भी अल्सर एग्रेवेट होने की संभावना है तो इसलिए स्पाइसी और जो साल्टी फूड्स हैं उनको अवॉइड करने की जरूरत

प्रॉब्लम आपको है या आपकी फैमिली में किसी को है तो उसके डाइट में क्या चीजें इंक्लूड करना चाहिए और क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए इसको समझने में अगर ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच